जय हिंद प्यारे बच्चों आंकलन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों आज हम सी यू ई टी के जो टेस्ट सीरीज है हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम तेजी से सवालों को लगाने की कोशिश करेंगे कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क है जो कि आप खुद भी लगाएंगे और कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर लगवाऊंगा जो नहीं आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगे ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं सी यू ई टी के जो टेस्ट सीरीज है ये आप देखेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा गया है यहां पर देखिए इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज साउंड इज रिटर्न एज ये कहा गया है देखिए यहां पे, साउंड का कोड ये कहा गया है ये कहा गया है तो मिटिगेट का कोड आपसे पूछा गया है देखेंगे आप कैसे क्या करेंगे देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगाने के लिए हम करते है क्या है कि हम सबसे पहले इसका पोजिशन हम देखते हैं कि इसका पोजिशन है क्या ये ठीक है बेटा इसका हम पोजिशन देखते हैं तो इसके हम पोजिशन की अगर हम बात करें तो यू को अगर आप देखेंगे यू दूसरा था तो यहां पर तीसरा हो गया है ठीक तीसरा हो गया ये और यहां पे यू तीसरा था क्या हो गया है दूसरा हो गया है उसी तरीके से यहां पे है उसी तरीके से यहां पे है ठीक यहां पे देखेंगे मिटिगेट कहा गया है अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये कौन सा हो जाएगा ये अगर हम डी ऑप्शन की बात करें अगर हम डी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे दूसरा था तो क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ये और यहाँ पे तीसरा था ए टी ई पोजीशन किस पोजिशन तीसरे नंबर पे है तो किस पे हो जाएगा ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ठीक है बच्चों समझ रहे यहाँ आप ये आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे हम देखिए इसका आंसर यहां पे डी है ठीक है बेटा इसका आंसर यहां पे डी है ये फिर आगे देखेंगे हम यहां पे आपसे कहा गया है आपसे कहा गया है नो स्लाजिया वन आपसे ये कहा गया है ये आपसे ये कहा गया है तो पूछा गया फ्रिक्शन का कोड बताइए ठीक है बेटा

अब देखिए यहां पे ये दिया गया है आपसे कहा गया सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द एमंग गिवंग ऑप्शन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज ये दिया गया है <coughs> देखिए यहां पे क्या करेंगे आप देखो ये कोडिंग रिकोडिंग के सम्स होते हैं मैंने बताया है कि आपको इसका सबसे पहले पोजिशन पता होना चाहिए पोजिशन पता रहेगा तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे जैसे यहाँ पे इसका पोजिशन फोर्टीन होता है इसका पोजिशन थर्टीन होता है इसका पोजीशन बारह होता है इसका पोजीशन ग्यारह होता है तो अगला पोजिशन कौन सा होगा दस हो जाएगा अगला पोजिशन कौन सा हो जाएगा दस हो जाएगा ये ठीक है बेटा फिर यहां पे देखिए जड़ है छब्बीस तो दो चार, आट, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन क्योंकि जो जे का पोजिशन होता है सॉरी ये आठ होता है दस का पोजिशन जे का पोजिशन क्या होता है दस होता है और एच का पोजिशन क्या होता है आठ होता है ठीक है बेटा तो अगर हम जे एच की बात करें वाई का भी बात कर ले अगर हम क्योंकि यहां पे दो मिल जा रहा है एक्स देखिए यहां पे के क्या है ग्यारह है तो यहां पे आठ है तो यहां पे पांच है तो यहां पे दो हो जाएगा और दो से आप तीन स्थान पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जे एच वाई हो जाएगा ठीक है बेटा यहां तक समझ गए हैं तो आप इसको पोजिशन लिखते हुए चलेंगे और आप देखेंगे कौन सा सीरीज सेट हो रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे हम अब ये देखिए देखिए ये दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट आपसे ये कहा गया है ठीक यहां पर देखिए कैसे करेंगे हम यहां पे देखेंगे यहां पे एटीन और एट ये हो रहा है और इसका सिक्स से मल्टीप्लाई हो जा रहा है मतलब इसका मल्टीप्लाई हो रहा ये अगर हम यहां पे, अगर हम बात करें अगर हम बात करें यहां पे, यहां पे अगर हम बात करें बी ऑप्शन की अगर हम बात करें यहां पे बी ऑप्शन की ठीक है तो 26 और यहाँ पे ये पाँच हो जाएगा और ये कौन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है देखेंगे आप यहाँ पे 18 और 6 का हो रहा है और अट्ठारह आठ और चौबीस छः का हो रहा है ये अगर उस हिसाब से चलें तो 26 पंचे हो जा रहा है ये 26 पंचे हो जा रहा है 26 पंचे बाकी और किसी में नहीं होगा और किसी में नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा देखो ये रीजनिंग के सवाल हैं रीजनिंग के सवाल आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के लगाना है ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे ये देखिए देखिए ये देखेंगे हम विच टू नंबर्स विच टू नंबर्स कहा गया है सुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवेन इक्वेश करेक्ट कौन से दो नंबर अगर हम चेंज करें विच टू नंबर इंटरचेंज इंटरचेंज की बात किया गया है यह करेक्ट ऑप्शन दे दें ठीक है बेटा आइए हम कुछ भी चेक कर लें मान लो हम इसको सी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं सी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं <coughs> क्योंकि ये हो जाएगा 78 चेंज कर दे हम इसको यानी यहां पे 39 नाइन इंटू एट और प्लस ट्वेंटी सिक्स इंटू सेवन माइनस थर्टी नाइन तो माइनस फोर्टी एट हो जाएगा ये और प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन हो गया ये ठीक है बेटा यहां तक हम इसको देखना है कि हम कौन से दो नंबर इंटरचेंज करें कि ये टू वन जीरो हो जाए ठीक है बेटा तो पहले आप देखिए डिवीजन करिए टू इंटू एट टू इंटू एट और प्लस ये कितना हो जाएगा एक सौ बयासी हमने इसको डिवाइड किया बॉडमास रूल हमने लगाया है बॉडमास रूल हमने लगाया है इसे तो डिवाइड करेंगे टू इंटू एट और प्लस वन एटी टू हो गया माइनस फोर्टी एट और प्लस सिक्सटी ये हो गया ठीक है अब हम देखेंगे यहां पे सोलह प्लस एक सौ बयासी प्लस साठ और माइनस फोर्टी एट इसको ऐड करिए छो आठ छह दो आठ हो गया यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे पहले एडिशन करेंगे फिर बाद में सबस्ट्रक्शन करेंगे इस आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर टू वन जीरो हो जाएगा इसमें जो रूल लगता है बॉडमॉस रूल लगता है बॉडमॉस बॉडमॉस रूल लगता है ब्रैकेट पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यहां पे है नहीं तो ब्रैकेट ये हो गया ये ऑफ डिवीजन हमने किया फिर मल्टीप्लाई किया फिर एडिशन किया फिर देखो लास्ट में हो ये आंसर टू वन जीरो देगा तो अगर हम सी को अगर हम इंटरचेंज कर दें फोर्टी एट की जगह पे थर्टी नाइन और थर्टी नाइन की जगह फोर्टी एट तो हमारा वो आंसर हो जाएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे <coughs> आगे देखिए यह आपके लिए होमवर्क है यहां पर यह बच्चा आपके लिए होमवर्क है यहां पर देखेंगे, देखेंगे आप, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ नंबर इन द सेम वे फोर्थ नंबर इन द सेम वे एज द फर्स्ट नंबर

आप इसको सॉल्व करेंगे नहीं आएगा तो आपको बताया जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे इसका जो आंसर है वो बी है इसका जो आंसर है बेटा क्या है इसका आंसर जो है वो बी है इसका आंसर है, बी है ठीक आगे बढ़िए ये देखिए। अगला सवाल देखेंगे हम ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पे कहा गया है ए ये मीन्स इज द सिस्टर ऑफ बी एंड ये मींस इज द मदर ऑफ बी कौन जो है सी एफ की मदर है कौन सा होगा आज देखेंगे कोई भी हम देख लेंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है कोई भी ऑप्शन हो सकता है देखिए यहाँ पे देखिए हम आइए डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं सी ये दिया गया है ए इज द मदर ऑफ बी सी एच की मदर हो गई सी जो है एच की क्या हो गई मदर बन गई ये ब्लड रिलेशन के सवाल होते हैं बेटा ये ये सी एट द रेट ऑफ एच दिया गया है तो एट कहा गया इज द मदर ऑफ बी यहां पे देखिए ये क्या कहा गया मदर ऑफ बी कहा गया है यहां पे क्या हो जाएगा सी एच की मदर हो गई है और यहां पे इस तरीके का साइन है ये कहा गया एज सिस्टर ऑफ बी तो एच जो है एम की सिस्टर बन गई एच एम की सिस्टर बन गई ये और फिर एम जो है एफ की सिस्टर बन गई तो पूछा गया है सी इज द मदर मतलब ऑफ एफ बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है बेटा यहाँ तक समझ हैं ये ब्लड ब्रेडलेशन के सवाल हैं, आपको मैंने बताया भी है रिलेशन के सवाल में आ, मतलब नहीं बताएगा तो आपको बताया जाएगा कि यहां पे जो बड़ी जनरेशन उस ऊपर रखते हैं छोटी जनरेशन नीचे रखते हैं और फिर यहां पे जो मेल होता है हम प्लस यूज करते हैं फीमेल के लिए हम माइनस यूज करते हैं ठीक है बेटा जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा कैसे क्या होता है ठीक आगे बढ़ेंगे ये भी आपके लिए होमवर्क है ये भी आपके लिए होमवर्क है कौन सा डिफरेंट है

सी का थ्री होता है ये ट्वेंटी सिक्स होता है यहाँ पे फोर होता है ये एट होता है उन्नीस होता है ये सोलह होता है ये सात होता है ये अट्ठारह होता है ये दस होता है ये सात होता है ठीक है इस तरीके से होता है तो आप इसको चेक करेंगे कौन सा एक डिफरेंट है इसमें भी आप पोजिशन लेकर के काम करेंगे एफ सेवन होता है जे टेन होता है क्यों सेवेंटीन होता है एन फोर्टीन होता है तो आप इसे पोजिशन लेकर के चेंज करेंगे आप इसको कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे आप इसको देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा इसका जो फिलहाल आंसर है वो डी ऑप्शन है आप इसको लगाना नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना हम आपको सारी चीजें बताएंगे ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़िए ठीक ये देखिए यहां पे कहा गया है ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आई रिटेन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट देखो यहां पे देखो यहां पे आप इसको अगर करेंगे यहां पे देखिए इसको आप देखेंगे ये क्या हो रहा है ये पचपन हो रहा है यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो गया पचपन हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पचपन हो गया ये ठीक अगर हम इस आधार पर अगर हम चले ठीक है अगर हम इस आधार पर चले पांच ग्यारह इस तरीके से हो जाएगा या फिर आप ऐसा कर लो फाइव का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर प्लस एलेवन फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस इंटू ऐसा करो पच्चीस इंटू 11 कितना हो जाएगा टू सेवन फाइव दे देगा ये फाइव का स्क्वायर इंटू एलेवन कर दिया जाए यहाँ पे क्या कर दिया जाए फोर का स्क्वायर इंटू सिक्स तो मिल रहा है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फाइव का स्क्वायर इंटू एलेवन कर दिया जाए तो टू फाइव मिलेगा तो फोर का स्क्वायर इंटू सिक्सटीन टू फिफ्टी सिक्स मिल जाएगा हमारा तो ऑप्शन डी हो जाएगा आगे बढ़िए आगे बढ़िए यहां पर देखिए पूछा गया है कौन सा सही है यहां पर पूछा गया है बेटा ये कि कौन सा सही है पोर्ट लुइस ये क्या है ये पोर्ट लुइस कहा गया है वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एट दैट द शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स यानी जो गिवन जो, जो, जो पेयर वर्ड है जो है वो सही हो ठीक है देखिए सुडान तंजानिया दोनों कंट्री हैं ये जिम्बाब्वे, ठीक है हरारे नाइजीरिया सेनेगल मर्स इसका आंसर हो जाएगा कीनिया ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा कीनिया हो जाएगा ठीक है बेटा कीनिया ने होता है ठीक है आगे बढ़िए कैपिटल है है ना ये क्या है कैपिटल है ये ठीक है बेटा तो ये क्या होता है कैपिटल होता है आगे बढ़िए ये देखिए ये क्या है यहां पे कहा गया है यहां पे कहा गया है बेटा ये कंसीट ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड सेम वे द दिलेक्ट वर्ड इज फर्स्ट वर्ड जो थर्ड वर्ड है थर्ड वर्ड और जो सेकंड वर्ड है वो किसके बराबर है फर्स्ट के बराबर है तो थर्ड वर्ड किसके बराबर हो जाएगा ठीक है बेटा ये क्या हो जाएगा होप के बराबर हो जाएगा ठीक जो सेकंड है वो फर्स्ट के बराबर है जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा होप के बराबर हो जाएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे देखो ये सब सारे सवाल आप तभी कर पाएंगे बेहतर तरीके से जब आपको जैसे मैं अब ये इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इंग्लिश शब्द की जानकारी होना चाहिए इसके पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको उसके कैपिटल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल को याद होना चाहिए ठीक ये सब चीजें आज आप जीएस पढ़ेंगे, तो आपको पता हो, पता होते हुए चल गया होगा आगे बढ़ेंगे हम आगे बढ़ेंगे अगले की अगर हम बात करें देखिए आपसे यह कहा गया है कौन सा डिफरेंट है आपसे क्या कहा गया है बेटा यहां पे कौन सा डिफरेंट है कौन सा डिफरेंट है डिफरेंट की बात करें कार्डियोलॉजिस्ट ये साइकोट्रिस्ट ये अलग हो जाएगा ये बॉडी के अंदर जो है ये सब सारी चीजें एनालिसिस करते हैं ये बाहर की चीजें एनालिसिस करते हैं हमारा आंसर ये हो जाएगा कौन सा डिफरेंट है आगे बढ़िए दस जून दो हजार ग्यारह कौन सा दिन था दस जून दो हजार ग्यारह कौन सा दिन था ये कहा गया बेटा देखिए यहां पे देखेंगे क्या होता है इसमें दस जून दो हजार ग्यारह कौन सा दिन था देखिए 2011 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है 2011 को हम लिख सकते हैं बेटा 2010 लिख सकते हैं और फिर जनवरी से लेकर के कि कितना लिख सकते हैं दस जून लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं दो और प्लस टेन लिख सकते हैं ठीक ये हो गया और फिर हम इसको लिख सकते हैं ये जनवरी से लेकर के कितना दस जून हो गया ये, ये बेटा जीरो हो जाता है जब आपको बताया जाएगा जब आपको बताया जाएगा आ, जो होता है कैलेंडर तो वहां पर ये सब सारी चीज डिस्कस होती हैं, ये जीरो हो जाता है इसमें कितने लीप हो गई ये इसमें दो लीप हो गया और प्लस एट जनरल ईयर हो गया ठीक और ये है क्या बेटा ये जून ये देखिए जनवरी थ्री फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल मई जून जून कितना तीन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ठीक है यहाँ तक इस तरीके से हो जाएगा ये टू इंटू टू टू इंटू टू हो जाएगा और प्लस एट और प्लस तीन तीन छ तीन नौ दो बारह दो चौदह खत्म हो गया जीरो बन गया यहाँ पे बारह इसका आंसर जो आएगा फ्राइडे आएगा चार बारह सेवन पांच, इसका आंसर फ्राइडे आएगा देखो ये दस जून दो हजार ग्यारह है ये ये सब सारी चीजें आपको कैलेंडर वाली क्लास में बताई जाएंगी इसमें होता क्या है कि ईयर को हमने अलग कर लिया बाकी जो नंबर्स होते हैं जो महीने होते हैं हमने अलग कर लिया फिर इसमें हम लीप निकालते हैं जनरल ईयर निकालते हैं फिर इनके एक्स्ट्रा डेज की हम बात करते हैं जब आपको मैं कराऊंगा ठीक है जब माँ को प्रैक्टिस कराऊंगा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा बेटा ये ये फ्राइडे हो जाएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़िए ये देखिए इस तरीके के सवाल होते हैं इस तरीके के सवाल होते हैं थ्री सिक्सटी सिक्स थ्री सिक्स सेवन मीन्स आई एम हैप्पी क्या होता है आई एम हैप्पी होता है यहां पे सेवन फोर एट यू आर सैड हो गया ठीक और फोर सिक्स नाइन है बेटा हैप्पी एंड सैड ये हो गया हैप्पी एंड सैड हो गया ये ठीक है बेटा यहां तक अब देखिए आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है एंड एंड का कोड आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया एंड के कोड के बारे में ठीक है बेटा देखिए यहां पे क्या होता है एंड कहां पे है यहां पर एंड तो पहले देखिए अगर हम हैप्पी को निकाल दें और साइड को निकाल दें एंड तो का पता चल जाएगा तो हैप्पी और कहां पे है यहां पे हैप्पी है इसमें कॉमन क्या है फर्स्ट और थर्ड में ये कॉमन है सिक्स सिक्स तो अगर आपसे बेटा हैप्पी का कोड अगर पूछे तो यह क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा साइड की अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड में है ठीक है बेटा सेकंड और थर्ड में है यहां पे क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा फिर ये ये फोर हो गया साइड का तो बचा क्या नाइन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें होता क्या है कि हम इसको मिलाते हैं कि कॉमन क्या है कॉमन के हिसाब से हम बातें करते हैं ठीक है बेटा आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ेंगे तो हमने हैप्पी का कोड सिक्स हो गया अगर आपसे साइड का कोड पूछा जाए तो फोर हो जाएगा तो बचा क्या यहां पे नाइन ही तो बचाइए नाइन बचा तो नाइन जो आ रहा है किसके लिए ये एंड के लिए आएगा जो एक बच रहा है ये एंड के लिए आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे ये देखिए सल्तनत रूल्ड बाय द जो है सरकी डेनेस्टी डायनेस्टी सरकी डाइनेस्टी ये कहा गया है सरकी डायनेस्टी ये क्या होता है बेटा होता है ठीक है दिल्ली सल्तनत रूल्ड सल्तन द सरकी डायनेस्टी ठीक ये होता है जो दिल्ली सल्तनत आपने नाम सुना होगा आगे बढ़िए बिरू बिरजू महाराज कहा गया है बिरजू महाराज इसे यहां पे कहा गया है क्लासिकल डांसर ऑफ वर्ल्ड रिप्यूट डाइन एक्सपोन ऑफ बिरजू महाराज क्या होता है बेटा ये कत्थक से रिलेटेड होते हैं बिरजू महाराज जो बिरजू महाराज होता है क्या होता है बेटा कत्थक है ना ये जीएस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जब हम पीसीएस का एग्जाम देते थे तो वहां पे ऐसे कई बार सवाल पूछे गए थे ठीक है बिरजू महाराज के बारे में कभी संगीत का पूछा जाता था ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज किससे है ये जो है कत्थक से होता है ठीक भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है ये डांस होता है कथकली केरला का होता है उड़ीसी उड़ीसा का होता है आगे बढ़ेंगे देखिए पार्शेक पार्शिक किसका होता है बेटा लेंथ का होता है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पार्शे जो होता है यहां पे जो पार्शक होता है किसका होता है लेंथ का होता है पार्शेक ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पार्शेक लेंथ का होता है आगे बढ़ेंगे हम मतलब दूरी की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो पार्शेक होती है आगे बढ़िए ये देखिए सबस्टेंस यहां पे यह कहा गया है एसआई यूनिट एसआई यूनिट कहा गया है ठीक है बेटा ये कहा गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके लिए होता है यह ये? ये मोल होता है फॉलोइंग इज दस आई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबिस्टेंस क्या होता है बेटा ये मोल होता है ठीक ये सब आप याद कर लीजिए ये जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए आगे बढ़िए ये देखिए द कमचा इज द बोर्ड बाय द प्लेट बाई द मैग्नारियस आपसे यह कहा गया है ये इसके बारे में बात किया गया है यह है वेस्ट राजस्थान अच्छा इज ए बोर्ड बोर्ड लिव प्लेड बाय द ऑफ ये किसके बारे में बात हो रही है ये है वेस्ट राजस्थान की बात हो रही है आगे बढ़ेंगे ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पे बेटा उत्तर प्रदेश में है ये ये कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में है ये अतरंजी खेड़ा ठीक अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में आगे बढ़िए देखो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ठीक है बेटा फिर ये देखिए यहां पे आपसे कहा गया है इन 1977 द हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द जनता पार्टी जनता पार्टी विच फॉर्मड ए पोलिशन गवर्नमेंट द सेंटर विद मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से मधु दंतावड़े मधु दंतावड़े हो जाएगा 1977 की बात हो रही है जो कि जनता पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ द जनता पार्टी विच फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर विद मोरारजी देसाई एज द प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा मधु दंताड़े हो जाएगा आगे बढ़ेंगे मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड की बात हो रही है बेटा मार्च 2022 इसका क्या हो जाएगा देखेंगे आप यहां पे ये यह हो गया कैरोलिना बेलावस्का कैरोलिना बेलावस्का हो जाएगा मिस वर्ष 2021 मार्च 2022 ये हमारा आंसर हो जाएगा आगे बढ़िए देखो ये 16 यार्ड ये किसकी बात हो रही है बेटा ये यहां पे 16 यार्ड की अगर हम बात करें ये फील्ड हॉकी की बात हो रही है किसकी बात हो रही है फील्ड हॉकी की बात हो रही है ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक ये देखिए एटम्स एटम्स एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इसमें बेटा क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन हो जाएगा एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस हाइड्रोजन टर यानी वाटर, वाटर कितने से मिलकर के बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर के बनता है हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा अर्जुन एवॉर्ड्स कब दिया गया था बेटा ये 1961, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए अर्जुन एवॉर्ड्स ठीक है कब से दिया गया था 1961 से दिया गया था ठीक है बेटा आगे बढ़िए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन हो जाएगा भगवंत मान ठीक है बेटा भगवंत मान आगे बढ़िए बांग्लादेश द नॉट शेयर बॉर्डर बांग्लादेश द नॉट शेयर बॉर्डर यानी बांग्लादेश जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है कौन सा है नागालैंड नागालैंड के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है आगे बढ़िए ठीक है अब देखिए मीन ए वाइट यहां पे कहा गया है ऑफ द बुक मीन इन व्हाइट आपसे यह कहा गया है मुकुल केशवावन बताया गया है इन्होंने किया है ये ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे विनय पत्रिका द रूल्स मेड फॉर द वेर रीटर डाउन इ बुक कार्ड पिट पिट कहा गया है ये क्या हो जाएगा ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ये देखेंगे आप यहां पे ये हो जाएगा इसका ठीक है बेटा समझ गए यहां तक आगे बढ़ा जाए ये देखिए अरुणाचल प्रदेश यहां पे कहा गया है ना वो टूरिज्म के हिसाब से बात किया गया अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म कौन सा हो जाएगा तवांग अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा बेटा तवांग हो जाएगा ठीक ये वहां का जो टूरिज्म के हिसाब से बात किया गया है ठीक है यहां पे कौन सा हो जाएगा सेगी कि ऐसे जीवाई हो जा रहा है ये यहां पे क्या हो जाएगा इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ एडोपन ऑफ विलेजेस बाय पार्लियामेंट स्कीम नेम्ड सेगी वॉन्च व इन ए इन अनुभव इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा ये अनुभव हो जाएगा अनुभव हो जाएगा ठीक है बेटा यहां तक आगे बढ़िए यहां पर देखिए इक्वेलेंट टू किसके बराबर होता है बोल्ट के बराबर होता है ये क्या होता है बेटा ये बोल्ट के बराबर होता है बोल्ट के बराबर होता है ठीक है आगे बढ़िए ये बताओ फेस्टिवल इन द बस्तर रीजन इज सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द वर्कशिप ऑफ द लोकल गॉडेज खेसरपाल देवी कौन सा हो जाएगा ये मड़ई ये कौन सा हो जाएगा बेटा ये मड़ई हो जाता है ठीक है आगे बढ़िए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किसको दिया गया है पावर ऑफ द डॉग फ्यूचर ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वन द बेस्ट मोशन पिक्चर्स ड्रामा प्राइज इन द फिफ्टींथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्या कहा गया है पावर ऑफ द डॉग कहा गया है ठीक है आगे बढ़िए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन ये है। यहां पे क्वेश्चन देखिए देखिए यहां पे सॉपकीपर 22 एन आर्टिकल देखिए मैथ्स का सवाल है ये ये मैथ्स का सवाल है ठीक है बेटा देखिए ये मैथ्स का सवाल है ए 22 एन आर्टिकल एट थर्टी परसेंट डिस्काउंट टू इस मार्च प्राइस एंड सेल डिस्काउंट मार्च प्राइस देखिए कितने में खरीदता है एमआरपी मान लीजिए एक्स है एमआरपी मान लीजिए एक्स है कितने में खरीदता है थर्टी परसेंट डिस्काउंट पे खरीदता है यानी सीपी की अगर हम बात करें बेटा यहां पे तो सेवेंटी एक्स बाई हंड्रेड हो गया ये भाई थर्टी परसेंट डिस्काउंट कहा गया है तो क्या हो जाएगा कम तो हंड्रेड माइनस थर्टी कितना बचा सेवनटी परसेंट तो बचा और किसका एमआरपी का तो सेवनटी एक्स बाई हंड्रेड हो गया ये ठीक है बेटा यहां तक और फिर जो बेचा ये फाइव परसेंट डिस्काउंट पे बेच रहा है यानी नाइन्टी फाइव एक्स बाई हंड्रेड हो गया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिक्सटी फाइव आ रहा है तो माइनस कर दीजिए ट्वेंटी फाइव एक्स बाई हंड्रेड सिक्सटी फाइव काटिए पच्चीस चौक सौ एक्स क्या हो जाएगा टू सिक्स दो सौ साठ कहा गया है कि जो एमआरपी है एम आर सी थर्टी परसेंट डिस्काउंट पर खरीदता है तो सीपी कितना हो जाएगा तीस निकल के सत्तर बचे इतना हो जाएगा एसपी फाइव परसेंट डिस्काउंट नाइनटी फाइव हो गया ये एमआरपी उसका एमआरपी का दोनों का डिफरेंस कितना है सिक्सटी फाइव का आ रहा है देखो प्रॉफिट सिक्स दे रहा हमने एक्स वैल्यू निकाल लिया वही आंसर हो गया टू सिक्सटी आगे बढ़िए ये यह देखिए यहां पर देखेंगे हम ये रेशियो दिया गया है डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी कहा गया है बी और डी का डिफरेंस की बात किया गया है ठीक है बेटा इसके लिए क्या होता है बी और डी कौन कौन से यही तो है सिक्स और फोर यही तो दो है तो सिक्स माइनस फोर क्या दे देगा बेटा टू दे देगा अपन ऊपर कितना हो जाएगा सिक्स थ्री फोर टू हो गया नीचे क्या हो जाएगा नीचे सभी को ऐड कर लीजिए सात आठ छः इक्कीस इक्कीस तीन सतरा इक्कीस दो बयालीस ये हो जाएगा छः सौ चार डी ऑप्शन मेरी बात बी और डी का डिफरेंस पूछा गया है तो बी और डी यही तो है सिक्स और फोर तो हमने माइनस कर दिया यानी टू हो गया तो टोटल सम हो जाएगा ट्वेंटी वन इसको सॉल्व करेंगे थ्री जीरो टू हो जाएगा ये ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे ये बेटा आपके लिए होमवर्क है ये ये आपके लिए क्या है बेटा ये आपके लिए होमवर्क है आप इसको लगाएंगे नहीं आएगा तो आपको बताऊंगा मैं ये आपके लिए होमवर्क है देखो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आपको सॉल्व करना है अगर आपको सॉल्व नहीं करना है अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करेंगे सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके बता दूंगा मैं ठीक है आगे बढ़ेंगे और आपको इसको जो है डाउनलोड भी करना है जब ये ख़त्म हो जाएगा ये हमारा सेशन तो आप इसको जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है बेटा आगे बढ़ेंगे हम हाँ। ये आपके लिए होमवर्क है देखिए ठीक यहां पर देखिए ये दिया गया है देखिए यहां पर क्या दिया गया है ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है बेटा यहां पे देखेंगे हम ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है देखेंगे कैसे होता है फाइव साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस फोर इतना जीरो के तो कॉट थीटा इतना कहा गया है तो बेटा कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है और प्लस वन थीटा होता है ठीक है आप इसको ऐड कर लीजिए तो कॉस थीटा प्लस वन थीटा हो जाएगा ठीक है बेटा ना यहां तक यह समझ गए हैं आगे बढ़ते हैं हम ठीक आगे बढ़िए फाइव हम इसको फाइव और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं माइनस फोर कॉस थीटा माइनस फोर इजिकल टू जीरो हम कह सकते हैं ये फाइनस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और माइनस फोर कॉस थीटा माइनस फोर इजक्ल टू जीरो हो गया ये तो फाइव माइनस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा माइनस फोर इजिकल टू जीरो हो गया ये ठीक है बेटा ये ये क्या हो जाएगा अब इसको सॉल्व करिए ये दे देगा फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस थीटा माइनस वन इजिकवल टू जीरो इसको हम करेंगे ये पाँच कैसे इसको सॉल्व करेंगे फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन इज्कवल टू जीरो फाइव कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा माइनस वन कॉमन लिया कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा जीरो हो जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा ये हो जाएगा 5 cos थीटा 1 is equal to 0 तो cos थीटा क्या दे देगा बेटा एक देगा minus -1 देगा और एक जो देगा 5 by, 1 by 5 देगा हमने इसको क्या किया है, बेटा हमने इसको सॉल्व किया है देखिए यहां पे हमने इसको सॉल्व किया 1 cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा होता है हमने इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमने इसको सॉल्व किया है ठीक है बेटा यहां तक तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन आ जाएगी दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई फाइव हो जाएगा तो माइनस वाले को छोड़ दीजिए प्लस वाले को लीजिए तो साइन थीटा क्या होता है बेटा जो साइन थीटा अब देखिए एक तो आ गया वन बाई फाइव हमें ये चाहिए ना हमें जो है ये साइन थीटा की वैल्यू निकालना है साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दे देगा बेटा ये वन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है ये हो जाएगा चौबीस बटे पांच अंडर रूट में ठीक है बेटा तो ये क्या दे देगा टू रूट सिक्स अपॉन फाइव दे देगा दे 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 ये आप यहाँ पर रखिए टू रूट सिक्स कॉस थीटा प्लस वन कॉस थीटा कितना आया बेटा वन बाई फाइव वन बाई फाइव प्लस वन अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा टू रूट सिक्स अपॉन फाइव तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा रूट सिक्स बाई टू ठीक है बेटा समझ इतनी बातें रूट सिक्स बाई टू हो जाएगा ये कुछ नहीं करना है साइन स्क्वाई माइनस वन और वन बाई फाइव हो गया साइन थीटा निकाला ये हो गया हमें इसकी वैल्यू चाहिए था कॉस थीटाइन थीटा आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा यही आ जाएगा रूट सिक्स बाई टू आगे बढ़िए अच्छा दोनों आंसर सेम है ए और बी में से कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए होमवर्क है बेटा ये आपके लिए क्या है होमवर्क है आप देख लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है आप इसको घर पे लगाना ये भी आपके लिए होमवर्क है थ्री वन टू फाइव अमाउंट इतना दिया गया है यह आपके लिए होमवर्क है देखियो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर लगाना नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना आपको मैं बता दूंगा आगे बढ़िए ठीक ये भी आपके लिए होमवर्क है ये टाइम एंड वर्क का सवाल है आपके लिए होमवर्क है ये ठीक ये भी आपके लिए होमवर्क है ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है आप देख लीजिए ये आपके लिए होमवर्क है ये भी आपके लिए होमवर्क है आप उसको तो घर पे लगाना ये भी आपके लिए होमवर्क है जितने भी सवाल है आपके लिए होमवर्क है ये जितने भी सवाल आपके लिए होमवर्क है आइए इसको हम बता दें सुमन ट्रेवल्स देखिए यहां पर यह इंपॉर्टेंट सवाल है सुमन ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई इतना-इतना कहा गया है, देखिए, इसके एक फॉर्मूला होता है बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है अंडर रूट टी टू अपॉन टी वन होता है यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहला जो स्पीड जो है v2 क्या है दूसरी स्पीड है t1 क्या है पहला टाइम है t2 क्या है दूसरा टाइम है तो पहले कौन है सुमन पहले सुमन है फिर रेखा आई है मेरी बात समझ और आपसे स्पीड ऑफ द सुमन पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया स्पीड ऑफ द सुमन पूछा गया है ये तो स्पीड ऑफ द सुमन का मतलब क्या है? क्या है है आपसे जो पहला होगा ध्यान रखिएगा जो पहले आएगा वो विवन हो जाएगा जो दूसरा आएगा वो वीटू हो जाएगा तो सुमन का हमें पता नहीं है मान लीजिए एक्स है अपॉन दूसरे वाले का कितना है बेटा यहां पे स्पीड रेखा कितनी है नाइन है Under root. T2. T2 कितना है इसका वन आवर फोर्टी एट मिनट टी टू कितना है बेटा यहां पे वन आवर फोर्टी एट मिनट्स यानी यहां आठ ठीक ये हो जाएगा कितना एक सौ बानवे साठ एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी और बारह कितना हो जाएगा एक सौ बानवे हो जाएगा आप इसको मल्टीप्लाई करिए अच्छा तो यहाँ पे आप इसको करेंगे इसको करिए बेटा कितना हो जाएगा तीन से करिए छत्तीस हो जाएगा चौसठ हो जाएगा ये छः बटे आठ हो गया अंडर रूट में ये अंडर रूट में हो जाएगा ये हमने तीन से काटा है तीन नो, तीन नौ तीन चौक अट्ठारह तीन चौक अट्ठारह उन्नीस तीन चौक बारह चौंसठ हो जाएगा ये ये क्या दे देगा छः बटे आठ दे देगा तो एक्स कितना हो जाएगा नाइन इंटू सिक्स बाई एट दो तीन छः दो चौक आठ सत्ताईस डी ऑप्शन ठीक है बेटा ये डी ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ेंगे ठीक यहाँ पे देखिए ये आपके लिए होमवर्क है ये।, ये आपके लिए होमवर्क है यहां पर देखिए आपको बता दीजिए कॉस्ट ऑफ द टाइलिंग द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज इतना रूपी पर इतना दिया गया है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ़ द फ्लोर इतना है तो पूछा गया है पेरीमीटर कितना हो जाएगा ये ठीक है बेटा देखिए दिखे. देखेंगे आप ये कॉस्ट दिया गया है कॉस्ट दिया गया है ये कॉस्ट दिया गया है नाइन्टी वन हंड्रेड रुपी दिया गया है और सिक्सटी फाइव पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से नाइन्टी वन हंड्रेड रुपी खर्च आया है फ्लोर की दो टाइलिंग का जो खर्च आ रहा है नाइन्टी वन हंड्रेड रुपी आ रहा है किस हिसाब से सिक्सटी फाइव रुपी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यानी एक मीटर स्क्वायर का दाम कितना है सिक्सटी फाइव रुपी है ठीक है तो अगर हम नाइन्टी वन अगर यहां पे हम बात करें नाइन्टी वन हंड्रेड की अगर हम बात करें तो अगर हम एरिया की बात करें बेटा एरिया एरिया क्या हो जाएगा नाइन्टी वन हंड्रेड हो जाएगा सिक्सटी फाइव से डिवाइड कर दो ठीक है बेटा भाई एक मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो रहा है सिक्सटी फाइव हो रहा है ये और नाइन्टी वन हंड्रेड का पूछा गया है तो एरिया कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा और एरिया सेवन रेशियो फाइव है ये तो सेवन एक्स रेशियो फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइन वन डबल जीरो सिक्सटी फाइव हो जाएगा ये इसको डिवाइड कर दो तेरा सत्यानवे तेरा पच्चीस पैंसठ पांच से कार दिया एक सौ चालीस है ना एक सौ चालीस हो जाएगा ये ठीक है बेटा यहां तक हम्म अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 140 बटे 35 ये हो जाएगा चार एक्स कितना हो जाएगा दो हो गया ये ठीक है बेटा आपसे क्या पूछा गया पेरीमीटर पूछा गया है और किसकी बात हो रही है ये रेक्टेंगल की बात हो रही है तो क्या होता है इसका पेरीमीटर टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यही होता है बेटा तो टू इंटू कितना यहां पे है बारह एक्स चौबीस इंटू कितना हो जाएगा ये दो आया है यानी अड़तालीस फोर्टी हमारा आंसर सी हो जाएगा ठीक है बेटा इस तरीके से है हमने इसका एरिया निकाला फिर हम इसका पैरामीटर निकाल लिया आगे बढ़ेंगे ये भी ये आपके लिए होमवर्क है ठीक है बेटा तो जितने भी सवाल यहां मैंने आपको छोड़े हैं आप उसको लगाना ये आपके लिए होमवर्क है अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना आपको बता दिया जाएगा ठीक और आप इसको जो आप इसको डाउनलोड करके जो आप इसको सॉल्व करिएगा आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए ठीक है बच्चों चलिए आज बस यहीं तक अगली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होता है और आप अपने सिलेबस के कॉन्टैक्ट में रहते हैं ठीक है बच्चों चलिए आज बस यहीं तक थैंक यू जय हिंद जय भारत